घर पर आसान तरीके से और कम से कम चीजों में बनने वाले उनको तोड़ के दिखाते देखिए इस तरीके से कितनी करारी है। और ये देखिए, और दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आपको तो पता ही है। अगर आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ेगा ये आप आगे वीडियो में ज़रूर देखें और वीडियो में ऐसे ही बने रहें। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है चार, और चार में हमें सबसे पहले ऐड करना है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर दो बाउल मैदा, ये छोटे बाउल सेम बाउल हैं, इससे दो बाउल मैदा और एक चम्मच अजवाइन। थोड़ा सा इनको इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और चारों तरफ इन्हें इस तरीके से फैला लें। और मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ ये सफ़ेद वाले तिल हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही यहाँ पर आप इसे तिल ऐड करें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इससे क्या है कि जो हमारी मठरी बनेंगी वो क्रिस्पी तो बनेंगे ही और एकदम लाजवाब और थोड़ी अलग तरीके से। और स्वादानुसार नमक अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये ऑयल है, ऑयल को ऐड करना है और इसे अच्छे से हमें क्या करना है, मिक्स करना है। इससे क्या है कि जो हमारी मठरी बनेगी एकदम खस्ती और करारी बनेगी, इस तरीके से डो बनना चाहिए। देखिए ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमारा जो आटा है मैदा है वो अच्छे से ऑयल में मिक्स हो गया है। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे मैंने लिया है गुनगुना पानी, थोड़ा थोड़ा करके गुनगुने पानी से इसके एक परफेक्ट तरीके से डो बनाना है। हमें यहाँ पे एक ही बार में पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी लेना, जिससे कि जो हमारा डो बनेगा वो गीला ना बने एकदम परफेक्ट तरीके से। और एकदम सॉफ्ट तरीके से यहाँ पे हमारा डो बनके तैयार हो गया। मतलब इस तरीके से हमें इसके छोटे छोटे से पीस बना लेंगे। रोटी को बेलते हैं इस तरीके से हमें बेलना है। पर इस तरीके से मैंने इसे रोटी की तरफ बेल लिया। और ये मैंने यहाँ पे लिया गिलास, आप चाहें तो किसी भी प्रकार से यहाँ पे उसको साथ ले सकते हैं। यहाँ पे छोटे बड़े आप जिस प्रकार से भी यहाँ पे मटेरियल बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार का शेप देना चाहते हैं आप उसी प्रकार से शेप दें। मैंने देखिए यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके को भी हमें इसी तरीके से बनाना है। देखिए इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस एक बार बेल लेना है और इस तरीके से हमें इन्हें निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से निकाल और इन्हें इस तरीके से सेक दिया। देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हमारी मठरी जो है ये बन गई है। और अब इन्हें फ्राई करने के, और देखिए यहाँ पे मैं फ्राई करने से पहले इन्हें थोड़ा सा फैन के नीचे थोड़ा सा इन्हें ड्राई करने के लिए रखूँगा। आप चाहें तो इन्हें तुरंत इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने इन्हें फ़ैन के नीचे रखा हुआ था, अब इन्हें फ्राई करना शुरू करेंगे। ऑयल मैंने यहाँ पर पहले से गर्म होने के लिए रखा था और एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया। और अब हमें इसे क्या करना है, इसे लो फ्लेम में हमें फ्राई करना है। इस तरीके से इन्हें हल्का हल्का सा प्रेस करना है और इन्हें अब हम इस तरीके से पलट लेंगे, उलट पलट करना है। देखिए और एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हमारी मटेरियल जो है अच्छे से फ्राई हो। और अब हमें क्या करना है, इनका सारा ऑयल इस तरीके से निकाल लेना है। इसे निकाल लें, ये देखिए आवाज़ देखिए कितने करकरे और क्रिस्पी बने। देखिए और अब इसी तरीके से हमें बाकी को भी इसी तरीके से फ्राई करना है। मठरी जो है वो फ्राई होती है एकदम परफेक्ट तरीके से। देखिए कितने क्रिस्पी और करारे बने हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इनकी आवाज़ देखिए,
एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हमारी मठरी जो है वो बनके तैयार होगी। देखिए ये देखने में जितना लाजवाब लग रहा है उतने खाने में उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे। ये देखिए इनमें देखिए अजवाइन और तेल से, ये देखिए जो इनमें ऊपर से देखिए उभरे हैं, देखिए किस तरीके से बने, देखिए एकदम करारे और क्रिस्पी बने। देखिए और आप भी घर पर इस तरीके से ये मठरी बनाएं, आप भी घर पर इस तरीके से आसान तरीके से और घर की चीज़ों से ही और कम से कम समय में बनने वाला ये मठरी घर पर बनाएं इस तरीके से। और आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं, आप इन्हें डब्बे में इस तरीके से स्टोर करके भी रख सकते हैं और कई दिनों तक आप इन्हें 10 से 15 दिन के लिए आप इन्हें स्टोर करके इस तरीके से रख सकते हैं और इस तरीके से खा सकते हैं चाय के साथ में। और चाय के साथ में खाएंगे तो और भी ज़्यादा इसका स्वाद दुगना बढ़ जाए। तोड़ के दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से ये हमारी मठरी बनी है। देखिए ये देखिए इतनी करारी मठरी बनी है। देखिए आप इन्हें इस तरीके से तोड़ेंगे, देखिए इस तरीके से टूट जाएंगे, इतनी करारी हमारी यहाँ पे मठरी बनके तैयार। अचानक से घर पर मेहमान आ जाएं और इस तरीके से मठरी बनाएं चाय के साथ में और मेहमानों को सर्व करें तो मेहमान भी आपके बहुत ही खुश होंगे कि किस तरीके से आपने घर पर लाजवाब तरीके से ये मठरी बनाई है और किस तरीके से डिजाइन से बनी। देखिए एकदम अलग तरीके से बनी, देखिए एकदम जैसे कचौरी होती है ना उस तरीके से भी लग रहा है। देखिए ये देखिए तिल और अजवाइन देखिए एकदम साफ तरीके से दिख रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे हमारी मठरी जो है एकदम परफेक्ट तरीके से बनी है। आपको हमारी आज की मठरी की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी मेहनत और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नई से नई रेसिपी सबसे पहले आपके पास में आएगी। आज की रेसिपी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ में।